हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कर्ण रोगांतर प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, यानी कान का कोई रोग हो तो उसके लिए प्राणायाम, किसी को कम सुनाई देता हो तो उसके लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पोजिशन जो मैंने ले रखी है वो रहेगी, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका कि आपका जो अपर वाला बॉडी पार्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। देन देखो आपको करना कैसे है वो आप आराम से देख लेना, ठीक है ना गाइज। तो देखिए, अब देखिए आपको करना है, आपको सिंपली मैं पहले बोल के बता रहा हूँ फिर करके बताऊँगा। पूरा श्वास लेना है, ले लिया, ठीक। उसके बाद में ये जो हमारी दोनों नोस्ट्रिल होती है, इनको तर्जनी और अंगूठे से दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है, ठीक है। और श्वास जब हम लेंगे तो हमारी आँखें यानी कि आईज बंद होगी, ठीक है। देन उसके बाद में देखो मुंह भी बंद होगा, मुंह से श्वास नहीं लेना है, नाक से श्वास लेना है, ठीक है। श्वास पूरा लेने के बाद, नोस्ट्रिल को बंद करने के बाद, वो जो श्वास है ना अंदर अंदर हमारे जो वायु है, ठीक है, उसके ऊपर हमें प्रेशर डालना है बॉडी के द्वारा। प्रेशर जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो वो जो एयर है, वो हवा है, वायु है, वो धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुँच जाएगी और कानों का पर्दा सा खुलेगा, आप खुद देख लेना, ठीक है ना। तो ये करना है, अब मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ मैं और बताऊँ इसका बेनिफिट क्या है, ये माइंड एक्सरसाइज भी है, ठीक है ना। ये आपके ब्रेन को भी बूस्ट करेगा, आप करके देख लेना। देखो यदि हम थोड़ा सा करके वो श्वास को हम पर्दे तक पहुँचाए हमारे कान तक, उसके तुरंत बाद ही छोड़ दिया तो ये सिर्फ कान के लिए। यदि हम उसको जितनी देर होल्ड करके रख सके उतनी देर रखें हमारी क्षमता के अनुसार, तो ये आपको माइंड को भी बूस्ट करेगा। एक बार फिर से करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्त है गाइस, करोगे ना अलग ही तरीके का फील करोगे, करके देख लेना आप, ठीक है ना। करके देखोगे तभी जानोगे कि क्या फील होता है। मैंने किया है इसलिए मैं इसको डेली करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बेनिफिट्स क्या है। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।